हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी 2020 के लिए प्रीक्योर सीरीज में। आज के प्रीक्योर के इस 19th एपिसोड में हम बात करेंगे हिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स की। तो हमने ये सीरीज जनवरी 2018 ऑनवर्ड शुरू करी हुई है ताकि जब तक आप 2020 का प्रीलिम्स लिखें तब तक आपको 2018 की जनवरी से लेके सारे हिस्ट्री और कल्चर के करंट अफेयर्स हम तैयार करा चुके हों। तो आज के स्पीकर में हम बात करेंगे अडिलाबाद ढोकरा की, वरंगल दरीज और मॉन्यूमेंट मित्रस की। तो सबसे पहले अडिलाबाद ढोकरा। तो अडिलाबाद ढोकरा क्या है? एंशिएंट बेल मेटल क्राफ्ट है जिसको तेलंगाना की एक वोज कम्युनिटी, वोज या फिर वोजारीज या ओजाज, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी प्रैक्टिस करती है अदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में। अब ये क्या करते हैं, ये सिरे पर्दू, जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक हमने हड़प्पा में पढ़ी थी वही टेक्निक यूज करते हैं और मेटल स्कल्पचर्स बनाते हैं। तो टेक्निक इनकी सेम है कि क्ले का एक मोल्ड लेते हैं, उसके ऊपर वैक्स के धागे बांध देते हैं, वैक्स से भर देते हैं, फिर उसको हीट करते हैं, वैक्स ड्रेन आउट हो जाता है, एक मोल्टन मेटल से भर देते हैं और जब मेटल कूल डाउन कर जाता है, सॉलिडिफाई कर जाता है, तब जो क्ले का जो मोल्ड है उसको तोड़ देते हैं और पीछे आपके पास जो बचता है वो मेटल का स्कल्पचर होता है, राइट? लगभग 100 ही फैमिलीज हैं तेलंगाना में जो इस हेरिडिटरी क्राफ्ट को प्रैक्टिस कर रही हैं आज की डेट में। अपने इस क्राफ्ट के जरिए वो लोकल डीटीज के आइडल्स बनाते हैं, डांसिंग फिगर्स बनाते हैं, बेल्स, ज्वेलरी, स्टैचूज, साथ ही साथ एनिमल्स और बर्ड्स के फिगर्स भी बनाते हैं, राइट? यूनिक बात क्या है कि कोई भी दो स्कल्पचर जो है मेटल स्कल्पचर है सेम नहीं है, क्योंकि हर एक का जो मोल्ड है, क्ले मोल्ड है, वो फ्रेश प्रिपेयर होता है और मेटल के सॉलिडिफाई होने पे उस क्ले के मोल्ड को तोड़ के ही मेटल बाहर निकाला जाता है। तो हर एक के लिए, क्योंकि एक नया मोल्ड तैयार हो रहा है, तो कोई भी दो स्कल्पचर्स सेम नहीं है और ब्रास यूज करते हैं एज अपना मेन मटीरियल। और क्योंकि एक मोल्टन मेटल डाला है, मेटल सॉलिडिफाई हो गया है, पीछे से मेटल स्कल्पचर निकलाया है, मेटल ऑब्जेक्ट निकलाया है, तो ये सिंगल पीस ऑफ मेटल होता है और कहीं पे भी इसका कोई जॉइंट नहीं होता, मेटल में कोई जॉइंट्स नहीं है, सिंगल पीस है मेटल का। और जैसा कि हम बात कर चुके हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ये टेक्निक प्रैक्टिस हो रही है, लगभग 4,000-4,500 साल पहले से। जो आर्टिस्ट है, जो क्रिएटर है, क्राफ्ट्समैन है, उसकी मेटलर्जिकल एज वेल एज जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक की जो टेक्निक है, उस दोनों में उसकी स्किल्स सामने आती हैं फाइनल प्रोडक्ट में। आप देख सकते हैं कि कितने ही ज्यादा वेल डिफाइंड है ये, बहुत छोटा सा साइज है लेकिन एक डिस्टिंक्ट फेस है, डिस्टिंक्ट आईज है, राइट, नोज है, लिप्स हैं, प्रॉपर सब कुछ, आर्म्स और बॉडी साइज और फीट और लेग्स, एवरीथिंग। बहुत ही इंट्रिकेट काम है जो बहुत ही सही तरीके से मेटल पे उतारा गया है, राइट? तो दोनों ही जो स्किल्स हैं आर्टिस्ट की, मेटलर्जी भी और लॉस्ट वैक्स टेक्निक, दोनों ही स्किल्स सामने आती हैं। जैसे आप ये इमेज अगर देखें तो दोनों के फेसेस देखिए, डिस्टिंक्ट फेसेस हैं, राइट? कान में ज्वेलरी भी पहनाई हुई है, एक एक्सप्रेशन भी है चेहरे पे, ईयर, नोज, लिप्स, सब कुछ वेल डिफाइंड है, एक कॉट बनाया हुआ है, कॉट पे बैठे हैं, राइट? तो आर्टिस्ट के ऊपर है कि कितनी उसकी कला है, कितना उसका टैलेंट है, कितनी अच्छी इमेज निकल के आती है, राइट? तो ब्रास की इमेज क्रिएटेड बाय लॉस्ट वैक्स टेक्निक, यह है अदिलाबाद ढोकरा, राइट? अब बात करेंगे हम वरंगल दरीज की। तो वरंगल दरीज, तो दरी क्या होती है? एसेंशियली एक थिक कॉटन रग होता है, राइट, कारपेट जिसको कह देते हैं। वीवर्स इन पे सुंदर पैटर्न्स बनाते हैं और डाई करते हैं इनको यूजिंग वेजिटेबल कलर्स, और फिर उनको एक फ्लोइंग वाटर में वॉश कर देते हैं प्रिंटिंग प्रोसेस के सूखने के बाद। तो वरंगल का जो एरिया है, वरंगल डिस्ट्रिक्ट जो है, वहां पे कॉटन एक अच्छी क्वांटिटी में ग्रो होता है, इसलिए इस एरिया में वरंगल दरीज पॉपुलर हो गई। तो इस एरिया में लगभग 2000 वीवर्स हैं
जो वारंगल में दरीज बना के ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। शतरंजी कारपेट्स या जैनमाज प्रेयर मैट जो है वारंगल में, उनका साइज 2 फीट बाय 3 फीट से शुरू होता है, 60 फीट बाय 90 फीट तक जाता है। जो ये 60 फीट बाय 90 फीट वाली दरीज है, ये तो जनरली म्यूजियम्स में ही यूज होती हैं, लेकिन ये जो 2 फीट बाय 3 फीट वाली दरीज है और इससे जो बड़ी वाली दरीज है, वो डोमेस्टिकली भी और इंस्टीट्यूशनली भी यूज की जाती है। डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है दरीज के? ब्राइट कलर्स, ज्योमेट्रिकली रेपिटेटिव पैटर्न्स, इंटरलॉकिंग जिगजैग मोटिव्स, और कॉटन और जूट दोनों जो है, ये सारे जो फीचर्स हैं ये सिग्नेचर फीचर्स हैं इन कारपेट्स के। मॉडर्न डे में, आज के जमाने में, इसमें एवोल्यूशन क्या हुआ है, क्रिएटिविटी क्या आई है कि अब इसमें टाई डाइड इकत भी यूज होने लगा है, राइट। और साथ ही साथ हैंड पेंटेड या ब्लॉक प्रिंटेड कलमकारी डिजाइन्स भी आने लगे हैं इन दरीज के ऊपर, राइट। पहले बहुत सिंपल ज्योमेट्रिक पैटर्न्स या इंटरलॉकिंग जिगजैग मोटिव्स होते थे, अब इक्कत और साथ साथ कलमकारी दोनों ही आने लगे हैं वरंगल दरीज में, राइट। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं, जिगजैग मोटिव्स हैं, ये ट्रेडिशनल तरीका है, इन्हीं पे आजकल इक्कत और कलमकारी डिजाइन्स आने लगे हैं। ये एक अनफिनिश्ड वरंगल दरी है, राइट। तो ये थी कहानी वरंगल दरीज की। अब बात करते हैं कि इनके बारे में हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को ही, अदिलाबाद ढोकरा और वरंगल दरीज दोनों को रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जीआई टैग मिल गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो जीआई टैग के बारे में एक दो चीजें कुछ और जानते हैं। सबसे पहले तो इसको गवर्नमेंट 10 साल के लिए इशू करती है, उसके बाद इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। सेकेंडली, अगर आप जीआई टैग को वायोलेट करते हैं, जीआई टैग जिसको मिला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल बासमती है पंजाब में जो ग्रो हो रहा है, या हरियाणा में या यूपी में, वो बासमती कहलाता है, और फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु में जो राइस ग्रो हो रहा है वो बासमती नहीं है, अगर आप उसको भी बासमती कह के बेच रहे हैं, तो आप जीआई का जो टैग पंजाब और हरियाणा को मिला हुआ है बासमती चावल को लेके, उसको वायोलेट कर रहे हैं, और ये एक पनिशेबल ऑफेंस है अंडर द लॉ। इसके अलावा तेलंगाना में और कौन से इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स मिले गए हैं? सिल्वर फिलिग्री ऑफ करीमनगर, हैदराबादी हलीम। हैदराबादी हलीम को जीआई टैग मिला है, लेकिन हैदराबादी बिरयानी को नहीं मिला है, राइट। ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। इसके अलावा नारायणपेट हैंडलूम साड़ीज हैं जिनको मिला है, पोचमपली इक्कत है, और पिंबर्थी मेटल क्राफ्ट्स हैं जिनको तेलंगाना में जीआई टैग्स मिला है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में जीआई टैग्स मिलने वाले तिरुपति लड्डू, बेंगनपेले मैंगो, दुर्गी स्टोन कार्विंग्स, लेदर पपेट्री, गुंटूर की चिली, और एटीकोपका टॉयज, इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है, राइट। ये थे जीआई टैग की कहानी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम की बात करते हैं। तो स्कीम का नाम है अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान। शुरू किसने करी? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इनिशिएट किया, इनिशिएटिव लिया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलके ये स्कीम कोलैबोरेट करके ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सितंबर 2017 को लॉन्च करी थी वर्ल्ड टूरिज्म डे पे। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, कई बार यूपीएससी स्टेटमेंट में पूछ लेता है, तो वहां पे जनरली आप श्योर नहीं होते कि अरे ये सितंबर 2017, इतना तो प्रिसाइज होना बहुत ही मुश्किल है, राइट। आपको लगता है कि हर एक स्कीम के बारे में याद रखना कितना ही ज्यादा मुश्किल है कि कब वो स्कीम लॉन्च की गई थी। तो उसका की यही है कि राइट, ये हेरिटेज, अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम जो है, ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आई, टूरिज्म मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव था, तो ये लॉन्च भी वर्ल्ड टूरिज्म डे पे ही हुई थी सितंबर 2017 में, राइट। तो कुछ ना कुछ पीछे इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है, रीजन होता है, जिसकी वजह से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है, एक्सपेक्ट करता है कि शायद आपको उतनी नॉलेज हो फैक्चुअली। तो वो हम अपने एंड पे कोशिश करते हैं कि आपको उतनी नॉलेज प्रदान करें। आगे बढ़ते हैं। अब इस स्कीम के तहत कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी या प्राइवेट सेक्टर कंपनी या इंडिविजुअल्स या कोई भी और गवर्नमेंट जिसको इनवाइट करे, कोई भी ऐसी एंटिटी, वो सिलेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को अडॉप्ट कर सकती है और उनकी
उनका टूरिज्म पोटेंशियल बढ़ाने के लिए एक्टिविटीज कर सकती है। तो इस स्कीम के तहत जो है, जो भी कोई भी इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल या कंपनी किसी भी मॉन्यूमेंट को अडॉप्ट करेंगे, उनका काम होगा वहां पे बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करना, बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करना और मेंटेन करना, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, ईज ऑफ एक्सेस फॉर द डिफरेंटली एबल्ड, स्टैंडर्डाइज्ड साइनेज, क्लेनलीनेस, पब्लिक कन्वीनियंसेस, फैसिलिटीज वगैरह देना, सर्वेलेंस सिस्टम लगाना, नाइट व्यूइंग, टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर्स प्रोवाइड करना, राइट। तो बहुत ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्रिएट करना है, सेटअप करना है और मेंटेन करना है, ताकि उस जगह का जो टूरिज्म पोटेंशियल है वो बढ़ाया जा सके, राइट। अब डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सी मॉन्यूमेंट है, तो टूरिस्ट फुटफॉल और विजिबिलिटी के बेसिस पे गवर्नमेंट ने एक लिस्ट निकाली है जिनमें से चूज किया जा सकता है कि कौन सी को आप अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो 83 मॉन्यूमेंट्स की इनिशियल लिस्ट है जो निकाली गई है इस स्कीम के तहत, और जो भी इनमें से किसी भी एक मॉन्यूमेंट को अडॉप्ट करेगा उसको मॉन्यूमेंट मित्र कहा जाएगा, और आपको इनिशियली 5 साल के पीरियड के लिए यू विल बी अलाउड टू अडॉप्ट दैट मॉन्यूमेंट एंड टेक केयर ऑफ इट। उसके इसके तहत एक एमओयू भी साइन होगा प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी के साथ, और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि जिसने भी ये मॉन्यूमेंट अडॉप्ट किया है अगर वो सही तरीके से इसको नहीं चला रहे हैं तो गवर्नमेंट वापस भी ले सकती है उनसे। इसको सिलेक्ट कौन करेगा कि किस कंपनी या इंस्टीट्यूशन को कौन सा मॉन्यूमेंट देना है, कैसे देना है, तो एक ओवरसाइट और विजन कमेटी बैठेगी जो को चेयर्ड होगी टूरिज्म और कल्चर के सेक्रेटरी द्वारा, और ये जो बिडर है, जो बिड कर रहा है कि मैं ये मॉन्यूमेंट अडॉप्ट करना चाहता हूं, उसके विजन डॉक्यूमेंट के बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि उसको अलाउ करना है या नहीं। मान लीजिए एक्स वाई जी कंपनी है और एबीसी कंपनी है और दोनों ताजमहल के लिए बिड कर रहे हैं, तो ये जो कमेटी है ओवरसाइट और विजन कमेटी, ये देखेगी कि दोनों में से किस कंपनी का बेटर विजन है ताज को प्रमोट करने के लिए और ताज की मेंटेनेंस और अपकीप के लिए, कि कौन यहां पे ज्यादा टूरिज्म ग्रोथ ला सकता है वाइल प्रिजर्विंग द सैंक्टिटी ऑफ द ताजमहल, तो उसको ये अलॉट कर दिया जाएगा मॉन्यूमेंट जो भी होगा, राइट। तो ओवरसाइट और विजन कमेटी सिलेक्ट करेगी, कोई इसमें फाइनेंशियल बिड इन्वॉल्व नहीं है, और जो भी खर्च आएगा मॉन्यूमेंट्स को अडॉप्ट करके उनको अपकीप करने के लिए वो उस कंपनी के इंस्टीट्यूशन के सीएसआर फंड्स में से लिया जाएगा। 83 इनिशियल लिस्ट है मॉन्यूमेंट्स की जिसमें से चूज करना है, और एज ऑफ नाउ 11 मॉन्यूमेंट्स ऐसी हैं विच हैव ऑलरेडी बीन टेक अप, 11 एमओयू साइन हो चुके हैं मॉन्यूमेंट मित्रज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। तो ये लिस्ट है आपके सामने। रेड फोर्ट और गंदकोटा फोर्ट जो है दोनों दालमिया भारत को गए हैं। इसके अलावा गंगोत्री टेम्पल और गौमुख के आसपास का जो एरिया है, जो ट्रेल है, और साथ ही साथ माउंट स्टोक कांगड़ी का जो ट्रैक है, दोनों गया है एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। कुतुब मीनार, लेह पैलेस, अजंता केव्स और हम्पी, ये चारों गए हैं यात्रा को दी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी। सूरज कुंड गया है ब्लिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। जंतर मंतर गया है एपीजे सुरेंद्र पार्क को, जंतर मंतर दिल्ली वाला। और इसके साथ साथ एक कंपनी है रेस्टबर्ड टेक्नोलॉजीज, इन्होंने कहा कि 5 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स हैं उनके लिए हम मल्टीलिंगुअल ऑडियो एप्लीकेशन गाइड तैयार करेंगे। तो कौन सी वो साइट्स हैं, कोलवा बीच गोवा में, अमेर फोर्ट राजस्थान में, काजीरंगा असम में, कुमारकोम केरला में और महाबोधि टेम्पल बिहार में। तो इन कंपनीज ने ये एमओयू, इन मॉन्यूमेंट्स के लिए एमओयू साइन कर ली हैं गवर्नमेंट के साथ, और स्कीम अपने आगे के फेजेस की तरफ बढ़ रही है। तो ग्रेजुअली एक से बढ़ते बढ़ते जो सब्सिक्वेंट फेजेस हैं स्कीम में, अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के सब्सिक्वेंट फेजेस में प्लान ये है कि सारे के सारे जो टिक मार्क्ड ए साइड टिक मार्क्ड मॉन्यूमेंट्स हैं ये प्राइवेट या गवर्नमेंट एंटिटीज को हमने अडॉप्ट करवा देने हैं, ताकि वो अपने सीएसआर फंड्स इन पे खर्च कर सकें। जो एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी या एक गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी की जो डायनामिज्म है, जो एक विजन है, वो इन पे अप्लाई करके जो मॉन्यूमेंट है उसके टूरिज्म पोटेंशियल को बढ़ाया जा सके वाइल प्रिजर्विंग दी कल्चरल हेरिटेज। तो ये थे हमारा प्रीक्योर
एपिसोड 4 हिस्ट्री का। मिलेंगे आपसे अगले वीक के प्रीक्योर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉच।